दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीडी फ्री डिश पर चल रहे एक और चैनल के बारे में जो कि है जी डेली एनसीआर हरियाणा। ये चैनल आप सर्च कर सकते हैं और कैसे सर्च कर सकते हैं ये सही तरीका आपको आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो बने रहें दोस्तों वीडियो में, चलेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और आपको सारा प्रोसेस वहाँ समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और चैनल होस्ट, आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। दोस्तों हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और आप यहां देख सकते हैं जो सर्च करने का तरीका दोस्तों हम बता रहे हैं उसी तरीके से आपको सर्च करना है, तो आप यकीन मानिए वो सारे चैनल सर्च कर पाएंगे जो कि नए ऐड हुए हैं। तो आज की वीडियो में जिस चैनल के बारे में हम बात कर रहे हैं जी डेली एनसीआर हरियाणा, ये चैनल दोस्तों डीडी फ्री डिश पर चल रहा है और उसको कैसे स्कैन करके आप देख सकते हैं इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, सेटेलाइट लिस्ट है आपकी, इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्री सेटिंग और बाकी चीज़ें। हो सकता है आपके सेटअप बॉक्स का इंटरफेस अलग हो, अब उस इंटरफेस के हिसाब से भी अगर आप जाएं तो आपको चले जाना है सेटेलाइट लिस्ट में। यहाँ से वो सारे सेटेलाइट आपको मिल जाएंगे जिस पे कि आप चैनल्स को सर्च कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है दोस्तों कि आपको चले जाना है 93.5 इनसेट 4BA सेटेलाइट पे, आप इसको रख सकते हैं और साथ में NSS-6B सेटेलाइट को रख सकते हैं। इन दोनों सेटेलाइट को रखते हुए आपको कर देना है स्कैन। आप नीचे देख सकते हैं रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू, ये चार अलग अलग बटन्स जैसे बने हुए हैं सर्किट करते हुए, यानी कि रेड बटन आपको ऐड का है, ग्रीन बटन एडिट का है, येलो बटन डिलीट का है और ब्लू बटन स्कैन का है। तो आप अपने रिमोट में प्रेस कर देंगे ब्लू बटन, जैसे ही आप अपने रिमोट में ब्लू बटन प्रेस करेंगे चैनल्स स्कैन होना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मैंने सारे चैनल्स को डिलीट कर दिया है ताकि आपको ये मैं बता सकूं कि चैनल सर्च होने के बाद लिस्ट में दिल्ली एनसीआर हरियाणा भी चैनल में आ रहा है। तो ये स्कैन करके देख लेते हैं। तो ये मैंने प्रेस कर दिया ब्लू बटन और उसके बाद आपको देखें अलग अलग ऑप्शंस हैं। स्कैन टाइप में मल्टी सेटेलाइट सर्च है, इसको मल्टी ही रखना क्योंकि एक से अधिक सेटेलाइट हमने लिया हुआ है। FTA ओनली ही रखना है क्योंकि अगर आप FTA के अलावा चैनल्स सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे नो कर देते हैं यहाँ पे, तो FTA के अलावा भी चैनल्स आएंगे लेकिन वो चलेंगे नहीं क्योंकि वो फ्री टू एयर नहीं है। स्कैन चैनल्स में अगर आपको TV रखना है TV रखिए, TV प्लस रेडियो रखना है तो रेडियो के चैनल्स भी साथ में सर्च होकर आएंगे। स्कैन मोड में ब्लाइंड स्कैन ही रखना है और इसके बाद सर्च पे जाके आपको कर देना है ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे दोस्तों आप देख सकते हैं कि टीवी और रेडियो ये दो अलग अलग ब्रैकेट्स आ जाएंगे आपके सामने और इसमें चैनल्स सर्च होना शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में ही जी डेली एनसीआर चैनल सर्च होके आ जाएगा और जैसे ही चैनल सर्च होके आएगा वो आपके लिस्ट में भी दिखना शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी समय आपको लगता है कि आप इतने ही चैनल्स को रखना चाहते हैं, जैसे अभी टीवी में 32 चैनल्स स्कैन हो गए हैं, रेडियो में कोई भी चैनल स्कैन नहीं हुआ है, तो अगर आप अभी मेन्यू बटन प्रेस करेंगे रिमोट में तो ये चैनल सर्च स्कैन वहीं स्टॉप हो जाएगा और आज जितने चैनल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं यानी 32 चैनल्स आपको देखने मिलेंगे। आपको पूरा स्कैन करना है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अभी हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि ऊपर से ही लिस्ट में हमारा डेली एनसीआर आ रहा है, तो इसको हम यहीं स्टॉप करेंगे। स्टॉप करने के लिए हम प्रेस कर देंगे मेन्यू बटन अपने रिमोट में। जैसे मेन्यू प्रेस करेंगे यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछेगा आर यू श्योर यू वॉन्ट टू एग्जिट सर्च, तो आप कर देंगे यहाँ पर यस। तो ये हमने कर दिया यस। अब यहाँ बता रहा है कि सर्च फिनिश्ड फाउंड 33 टीवी चैनल, हमने इसको बीच में रोक दिया दोस्तों इसीलिए 33 टीवी चैनल से दिखा रहा है सर्च में। अगर इसको कंटिन्यू किया जाता तो और भी सारे चैनल सर्च में आते। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने चैनल सर्च कर दिया है। हमने दोस्तों डिश वायर निकाल दिया है ताकि चैनल्स यहाँ प्ले ना हो सके क्योंकि आप जानते हैं कॉपीराइट इशू आने की संभावना बनी रहती है चैनल्स प्ले होते हैं। तो हमने यहाँ दोस्तों अभी सारे चैनल्स पर नहीं सर्च किए हैं लेकिन जो भी चैनल सर्च किए हैं वो सामने स्क्रीन पे आपको दिख पा रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं चैनल नंबर 6 जी डेली एनसीआर हरियाणा, ये चैनल सर्च में आ गया है दोस्तों और जैसे ही आप ओके करेंगे ये प्ले में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप सर्च करके ये चैनल को अपने डीडी फ्री डिश पर देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।